ताज़ातरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अगर वो आज डायलॉग पे आ गई है तो जंग सलूशन मसलों का नहीं है। और ये जब वॉर मंगिंग शुरू होती है और आप एस्केलेशन की तरफ जाते हैं, मसलन अगर हिंदुस्तान आपको ही एक्शन लेता है तो हमें मजबूरी एक्शन लेना पड़ेगा, वो किधर जाएगी उसके बाद बात। और फिर ये सब, ये भी मैं सुनता रहता हूं कि इंडियन पॉलिटिशियन जी न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही है क्या मतलब न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। ये एक किस्म का कहना ये कि क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसलिए हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल में स्पीकर साहब और मैं अपने सारी जितने भी फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं आज सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि देखिए पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान आज जिधर खड़ा है हमारी सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि हमारे खत्ते में स्टेबिलिटी हो, अमन हो, ताकि हम अपनी जो असल काम है एक हुकूमत का कि लोगों को गुर्बत से निकालें। और वो तब आता है जब अमन होती है, अमन के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट आती है नौकरियां मिलती हैं, दौलत बनती है, वेल्थ क्रिएशन होती है। ये जो टेंशन है ये ना पाकिस्तान को फायदा देती है ना हिंदुस्तान को फायदा देती है। मैंने जिस तरह कहा, मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की और सिर्फ ये डी एस्केलेट करने के लिए। हमने ये भी कोशिश की है कि बाकी अपने दोस्तों को भी, मैं शाम को मेरी बात हो रही है तुर्की के प्रेसिडेंट से भी, हम उनको भी कहेंगे कि इसमें करवाएं। लेकिन इसको, ये जो हम कोशिश कर रहे हैं डी एस्केलेशन की, इसको एक कमजोरी ना समझा जाए। ये कमजोरी नहीं है, इसमें गलत सिग्नल्स ही मिलने चाहिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें तारीख में जब हम पीछे देखते हैं तो दो बादशाह थे, एक तरफ बहादुर शाह जफर था, दूसरा टीपू सुल्तान था। बहादुर शाह जफर जब उसको फैसला करना था, एक तरफ गुलामी थी दूसरी तरफ मौत थी, तो उसने गुलामी के लिए फैसला किया और बाकी जिंदगी गुलामी में गुजारी। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को भी ये फैसला एक वक्त आ गया फैसला करने का, क्या आपने हाथ खड़े करके तो अंग्रेजों की गुलामी करनी है या आप एक आजाद इंसान की तरह आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस मुल्क का हीरो टीपू सुल्तान है। एक कौम अगर उसको आप पुश कर देंगे, कोई भी कौम छोड़े पाकिस्तान, अगर उसको पुश कर देंगे उस स्टेज के ऊपर कि वो उसको भी ये फैसला करना पड़े, तो एक गैरतमंद कौम आजादी के लिए लड़ेगी, वो गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मैं इसलिए आज हिंदुस्तान को, नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, एक किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें, क्योंकि ये जो आगे जा रही है, और मुझे पता है क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस हैं, मुझे पता है कि पाकिस्तान की फौज कितनी प्रिपेयर्ड और किधर खड़ी है। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया, तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फौज किधर खड़ी थी। इसलिए मैं इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इससे आगे ना लेके जाए, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। और फिर दो मुल्क जिनके पास वो हथियार हैं जो हम दोनों मुल्क के पास हैं, उनको सोचना भी नहीं चाहिए इस तरह, क्योंकि आज तक कभी भी एक दफा ही हुआ है क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस, उसके अलावा कभी भी इस तरह का सिचुएशन नहीं आया। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपना पार्ट प्ले करेगी इसकी, इस जिधर आज हम खड़े हैं इससे ज्यादा सिचुएशन आगे एस्केलेट ना करें। शुक्रिया।
इसके बाद जनाब शाहबाज शरीफ साहब बोलेंगे। मैं सिर्फ इतना, मेरे पास अभी पूरा लिस्ट पड़ा है और हमने ये डिसाइड किया है कि इजलास हम कल तक भी ज्वाइंट सेटिंग रखेंगे ताकि जो हम मैक्सिमम लोगों को बात करने। जी जनाब इमरान खान साहब, प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज कहनी भूल गया, एंड में हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को।